हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिविकाज किचन। आज शिविकाज किचन आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई है जो आपके डाइट में टेस्ट के साथ साथ बहुत सारा प्रोटीन भी ऐड कर देगी। तो चलिए आज बनाते हैं वेज सोया टिक्की। इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट स्टेप मिस ना हो जाए। तो चलिए वेज सोया टिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। वेज सोया टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे और उस पैन में पानी को हम बॉईल करेंगे। इस पैन को मैं लिड से कवर करके कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से बॉईल होने के लिए रख दूँगी। देखिए पानी बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है। अब मैं इस पानी में 100 ग्राम्स ऑफ सोया ग्रैन्यूल्स ऐड करूँगी। 100 ग्राम्स ऑफ सोया ग्रैन्यूल्स में तकरीबन 15 से 20 टिक्की बहुत आराम से बन जाएगी। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसे लिड से कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए सोया ग्रैन्यूल्स अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसे एक स्ट्रेनर की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। इसमें सबसे पहले थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे, फिर एक स्पैटुला की हेल्प से दबाते हुए बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेन करेंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचना चाहिए। देखिए बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गए हैं। हम इसे एक बाउल में खाली कर लेंगे और इसमें 3 से 4 पोटैटोस अच्छे से बॉईल किए हुए मैश करके ऐड कर देंगे। इसे एक बाइंडिंग इफेक्ट दे देगा। अब मैं इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करूंगी, बॉईल किए हुए 1 कप मटर, बारीक कटी हुई फ्रेंच बीन्स 1 कप, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई गाजर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी है, बहुत हेल्दी है। 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1/4 चम्मच भुने जीरे का पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर, इसे चटपटा बनाने के लिए 1 चम्मच कसूरी मेथी। इन सब मसालों से ये बहुत रिच बन जाएगी। आप इसमें पुदीना, चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद हम इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स एंड मैश करेंगे। एक स्पैटुला की हेल्प से हम इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर एक मैशर की हेल्प से हम इसे बहुत अच्छे से मैश करेंगे ताकि सारा मसाला एक सा हो जाए। देखिए ऐसे दबाते हुए अच्छे से मैश करेंगे। हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से मिक्स एंड मैश हो चुका है। अब हम एक स्पून की हेल्प से 1 बड़ा चम्मच मटेरियल अपने हाथ में लेंगे और उसका बॉल बनाएंगे। हल्के हाथों से हम उसका बॉल बनाएंगे, फिर उसे फिंगर्स की हेल्प से प्रेस करके टिक्की की शेप दे देंगे। देखिए कितनी बढ़िया टिक्की बनी है। इसी तरीके से हम अपने बाकी मटेरियल की सारी टिक्की बनाएंगे। 1 चम्मच मटेरियल हाथ में लेंगे, उसका बॉल बनाएंगे हल्के हाथों से, और हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हम उसकी टिक्की बना देंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया, कितनी प्रॉपर टिक्की बनी है। मैंने यहाँ सारे मसाले की टिक्कीज बना के रेडी कर ली हैं। अब हम आगे के प्रोसेस में जाएंगे। हम 1 कटोरी में 4 चम्मच मैदा लेंगे। उस मैदे में हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। हम एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे ताकि ये ज़्यादा पतला ना हो जाए। ये देखिए हमने एक घोल तैयार करना है जिसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना इससे पतली ना इससे गाढ़ी। अब हम एक एक टिक्की लेंगे, उसे इस घोल में डिप करेंगे, फिर हम उसे ब्रेड क्रम से कवर करेंगे। ब्रेड क्रम से कवर करने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, बहुत ही अच्छा कलर भी आएगा। मैंने यहाँ ब्राउन ब्रेड के क्रम्स यूज़ किए हैं।
देखिए इसी तरीके से हम सारे टिक्कीज को रेडी कर लेंगे। अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेके उसे मीडियम फ्लेम पे हीट किया है। ये बहुत मीडियम गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म में हम अपनी टिक्कीज फ्राई नहीं कर सकते। अब हम एक एक करके टिक्की को इसमें प्लेस करेंगे। देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये टिक्की इसमें प्लेस हो रही है, बिल्कुल भी टूट नहीं रही है, बिल्कुल भी फट भी नहीं रही है। देखिए कितने बढ़िया गोल्डन कलर आया है, बहुत ही गोल्डन, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही यमी रेसिपी बनके हमारी प्लेट में आ गई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।